गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग ये देख के समझ ही गए होंगे कि मैं खेतों की वीडियो आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे खेतों में क्या क्या फसल हुई है और कैसी फसल है हमारे खेत में। तो बस आप लोग बने रहिएगा, और प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। इसमें चल रहा है इधर ये पानी, जो कि ये धानों में जा रहा है पानी इधर। ये देखो, ये हमारे धानों की फसल है, क्योंकि अब इस पर ये पकने वाली है, तो इसमें ये लास्ट पानी लगाया जा रहा है। इधर है ये बाजरा की फसल और इधर है ये धानों की फसल गाइस। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या फसल है हमारे खेतों में। कुछ खेत खाली पड़े हैं, तो उसमें ना अभी जुताई चल रही है, इसमें लाया बोया दिया जाएगा। मैं आपको लेके चलती हूँ, अभी आगे मैं दिखाऊंगी। बैंगन की पौध भी हो रही है और बैंगन भी हो रहे हैं उधर। और मैं दिखाऊंगी वन, जो वन होता है ना कॉटन, उसके पेड़ कैसे होते हैं, कॉटन कैसे आती है, कैसे निकालते हैं हम लोग, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बस बनी रहिएगा आप लोग मेरे वीडियो में। इधर भी धान है, सारे खेतों में धान ही धान है, धान और बाजरा दो ही फसल हैं, और वन ये फसल है हमारे खेतों में इस टाइम। और ये देखिए, ये बैंगन है, इधर दिखाती हूँ आपको मैं बैंगन। इधर बैठा है पिकॉक, बेरिया है ना इधर, तो उस पर बैठा है। ये देखो पिकॉक, ये देखिए ये बैठा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये बैंगन की पौधे का है, बेरिया है ना उसका बाग है, ये बेरिए का, तो उसी में ये पौध लगा ली गई है नीचे बैंगन की। और ये पिकॉक घूम रहा है इसमें, ये देखिए। इसमें भी पानी लगाया गया है पौध में, और खेतों का बड़ा प्यारा सा ही ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। बहुत ही अच्छा लगता है खेतों पे जब भी आते हैं हम लोग घूमने के लिए, बड़ी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि इधर पानी चलता रहता है ना। ये देखो ये पानी चल रहा है इधर, तो इसकी वजह से कुछ ठंडक भी रहती है खेतों पर, पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अभी गया नहीं है पिकॉक, पेड़ पे से उतर गया था डर की वजह से। मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना, तो वो डर की वजह से उतर गया था और घूम रहा है इसमें। तो चलिए गाइस, आगे हम चलते हैं, आगे खेतों में है वन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये है वन की खेती, और मैं आपको दिखा रही हूँ ये वन का पेड़ है, जो इस तरीके से होता है ये वन का पेड़, ऐसे होते हैं। तो ये पूरे खेत में इसमें वन ही वन है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से ये फूल बनता है इसका। और ये फूल बनने के बाद इस तरीके से ये इसका बूला टाइप का बन जाता है। ये जो वन होता है ना, इसी के अंदर कॉटन होती है, और अभी ये कच्चा है, पका नहीं है। जब ये पक जाएगा ना, अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, फूल होता है, फूल के बाद ये बूला बन जाता है, फिर ये पक जाता है ना, तो ये खुद से खिल जाता है गाइस। तो इसके अंदर से कॉटन निकल आती है, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ इधर। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये रहा, ये ना ये खिल गया है फूल, ये जो बूला है ना ये पक जाता है तो ये खिल गया है वन, और यही है कॉटन, जो इसे ऐसे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सारी कॉटन, सब पेड़ों पर जितने भी ये खिल जाते हैं ना फूल, सबसे ये कॉटन ऐसे ही निकाली जाती है गाइस। ये जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ ना, ये देखिए इस तरीके से कॉटन उगाई जाती है गाइस। और जो लोग किसान हैं वो लोग तो जानते ही हैं, और जो लोग किसान नहीं है, जो शहर से होते हैं ना, वो लोग नहीं जानते, उन्होंने नहीं देखा होगा। तो बस उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको ना हम लोग, ये फूल बनता है इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही थी, ये फूल बनता है, और इसको ले जाके घर फिर हम लोग इसको सुखा देते हैं।